मध्य प्रदेश के मुरैना के पास विमान हादसा हुआ है और इस दुखद हादसे में मुरैना के पास जो हुआ उसमें दो लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिसमें सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान थे जिन जो जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इस हादसे में मिराज 2000 के पायलट की मौत हो गई है और सुखोई के दोनों पायलट जो है वो घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर एयरबेस से ये जो विमान थे इन्होंने उड़ान भरी थी और ये जो लड़ाकू विमान है इनकी इस हादसे की जांच के भी आदेश जो है वो दिए गए हैं। जो हमको जानकारी मिली, आज सुबह दो विमान थे, एक मिराज था और सुखोई था, वो ग्वालियर से उड़े थे और इसके बाद सूचना मिली कि यहाँ पे जो है एक किसी ने विमान में आग लगा हुआ देखा है जाते हुए, और फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मौके पे कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं। दो पायलट जो एयरफोर्स से सूचना हमें मिली है उसमें एक एक विमान में दो पायलट थे और एक में सिंगल पायलट थे, तो दो पायलट सही सलामत मिल गए हैं और एक पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। और एक अभी ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि भरतपुर में भी कुछ जो विमान के जो हिस्से हैं वो भरतपुर में भी मिले हैं, उसके बारे में जो है पतारसी चल रही है।